तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया के स्टॉक के बारे में। एनएलसी इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और अभी हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको स्टॉक में 2.11% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 219 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 254 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 294 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 350 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 370-380 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 209 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 197 और 185 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।